ये सितारे वाली लुगड़ी मैंने कहां से लिया या फिर कहां से बनवाई है, जो भी है आज आप सबको मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इसके बारे में, ताकि आप भी ऐसी ही लुगड़ी ले सकते हो, शादी में पहन सकते हो, क्योंकि शादियों का सीजन आ रहा है, वेडिंग का सीजन है। सो ऐसी लुगड़ी आप भी ले सकते हो। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लहंगे लुगड़ी की। तो आज का पूरा व्लॉग लहंगे लुगड़ी के ऊपर ही है कि इनको कैसे पहना जाता है, लहंगे लुगड़ी मैंने ये लुगड़ियां कहाँ से ली हैं, कहाँ से बनवाई हैं, लहंगे किस प्रकार के होते हैं, कितने मीटर के होते हैं, जो भी लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आज सब आपको बताऊंगी कि हमारे कल्चर जो है वो उसमें लहंगे लुगड़ियों को किस तरीके से पहना जाता है, क्योंकि हमारे लहंगे लुगड़ी ही पहनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अगर आप सबको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि और लोगों को भी पता चलना चाहिए। और हाँ, जिसको भी ये लुगड़ी जो सितारे वाली लुगड़ी है वो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कहाँ से बनवाई है, हमें भी बनवानी है। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। तो चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो लहंगे दो लुगड़ी लेके आई हूँ, उनके बारे में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद में बताऊंगी कैसे पहना जाता है, क्या प्रोसेस होता है आगे इसका, ठीक है। सबसे पहले जो सबकी चहेती है ये वाली लुगड़ी, सबको बहुत पसंद आई है ये वाली लुगड़ी। तो ये जितनी ही दिखती है अच्छी दिखती है, उतना इसको झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें वजन बहुत ज्यादा होता है। आम लुगड़ियों के बजाय इसमें वजन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मिरर का वर्क है, इसमें स्टोन वगैरह लगे हुए हैं इसीलिए। तो ये वाली लुगड़ी है, सब चाहते थे कि हम भी खरीदे। मुझसे पूछा था बहुत लोगों ने कहाँ से ली है, कहाँ से बनवाई है। मैंने कहा था मैंने बनवाई है, ली नहीं है, क्योंकि इनकी जो रेट है 1500-1000 से ऊपर होती नहीं इनकी रेट, तो शॉप पे ये नहीं मिलती है, बनवानी पड़ती है, क्योंकि क्या पता कोई ले ना ले, इसलिए फिर वहां पे शॉप से नहीं लिया। ये हमने सिर्फ बनवाई है, हमने ऐसी 4-5 लुगड़ियां बनवाई है, मेरी चाची ने 4-5 बनवाई है सबने। तो सबके पास हमारे पास ऐसी लुगड़ियां हैं, अलग अलग कलर में बहुत प्रकार की लुगड़ियां हैं। तो ये वाली लुगड़ी का चलो बता ही देती हूँ मैं। इसमें देखिए आप में, इसमें जो लेस है उस पे भी मिरर वर्क है, और बहुत अच्छे से स्टोन वगैरह इसमें सब लगाए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं वगैरह, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये वाली लुगड़ी धूप में और लाइट में तो ये लुगड़ी बहुत अच्छी चमकती है। तो ये वाली जो लुगड़ी है वो शॉप पे नहीं मिलेगी, आपको बनवानी पड़ेगी। आप किसी से भी बनवा सकते हो, चाहे तो आप खुद भी ये लगा सकते हो। मोती वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, दुकान पे मिल जाएंगे मोती वगैरह, कहीं भी आपको इसकी गम भी मिल जाएगी, आप खुद भी इसको बनवा सकते हो, बना सकते हो। लेकिन क्या है ना, जो लुगड़ियां हैं हमारी, जो लुगड़ियां हैं अपने कल्चर की, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। अगर पूरे फूल को हम कवर करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इसको बनाने के लिए, बहुत ज्यादा अपनी आंखों को इसमें गड़ाए रखना पड़ेगा, तभी हम इसको बना सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने के लिए, इसलिए हमने ये एक दो तो हमने बनाई है और हमने बनवाई है। तो हमने जो मोती वगैरह लगाने वाले होते हैं, जो मैक्सी वगैरह वो होती है बनाने वाली होती है, जो सबका वर्क होता है, हमने तो हमारे जयपुर में मुसलमान थे उनसे बनवाई थी, क्योंकि उनका यही वर्क था, वो यही काम करती थी, तो उनसे हमने ये बनवाई है। अब बनवाने के वो कितने भी पैसे ले सकते हैं, लुगड़ी के हिसाब से ले सकते हैं, उसके फूल जो है उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि आप खुद बना सकते हो, आप बना सकते हो इसको, कोई वो नहीं है। बाजार से मार्केट से मोती लेकर आ जाओ, आप खुद बना सकते हो इसको और पहन सकते हो शादी वगैरह में, बहुत अच्छी लगेगी ये। तो थोड़ा हैवी होती है, लेकिन हम इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, इतनी भी हैवी नहीं होती हम भी, सो इसको पहन सकते हैं। तो मैं आज इसी लुगड़ी को आपको पहन के दिखाऊंगी, तो आप इसको खरीद सकते हो। बस मुझे बताना था आपको अच्छे से कि हाँ, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी इस लुगड़ी को लेकर। और दूसरी जो लुगड़ी है वो है सिंपल, इसमें कुछ भी वजन नहीं है, और ये थोड़ी हैवी है, इसमें कुछ भी वजन नहीं है। इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ पहले, इसको मैंने दिखाया हुआ है। ये जरी वाले फूलों की है, तो ये बिल्कुल हल्की होती है, नॉर्मल लुगड़ियां ऐसी ही होती है। लेकिन अब जैसे कि जमाना बदल रहा है, नया नया फैशन आ रहा है, लुगड़ियों में मोती आ रहे हैं, पॉम पॉम लगे हुए आ रहे हैं, बहुत टाइप की लुगड़ियां हैं, मतलब खुद लगा के खुद स्टाइल कर सकते हैं, आ रहा है तो क्या। तो बहुत टाइप की लुगड़ियां हैं, लेस वगैरह की किसी भी प्रकार की हम बना सकते हैं, जैसी हमें चाहिए होती है। कलर वाइज देख लेते हैं, बस कलर अलग अलग होते हैं,
बाकी सेम होता है, लेस वगैरह इसमें ऐसी है। मैंने इनका ब्लॉग डाला हुआ है जरी वाली लुगड़ियों का, आप देख सकते हो। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी, आप जाके देख सकते हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ लहंगे। तो ये देखिए, ये एक ये लहंगा है और ये 7 मीटर कुछ ऐसे लहंगा है। तो लहंगे का यही होता है हमारे कि जो इन बहुत हैवी होते हैं ये, क्योंकि इनके जो मीटर है 6-7 मीटर के, बहुत मतलब 5 मीटर का तो बहुत कम लेडीज ही पहनती है, उससे ज्यादा का ही पहनती है, 6-7 ऐसे ही पहनती है। सो मैंने तो 6-7 दोनों ही पहने हुए हैं। तो ये भी बहुत हैवी लहंगा है, लेकिन इसका कलर नहीं जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे लहंगा। बहुत बार मैंने इसको धोया है, यूज किया है। सो ये लहंगा है और एक हल्का लहंगा है इससे। ये 6, ये कम मीटर का है ये, या आई थिंक 6 का ही है या पता नहीं मुझे। तो ये वाला हैवी नहीं है इतना। और ये देखिए इसका कलर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने इस पर ब्लैक कलर लहंगा बनवाया है, तो मैं आप वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं गांव जाऊंगी तो मैंने लहंगे लुगड़ी मंगवाए हैं, तो उनका ब्लॉग बनाऊंगी। अगर मेरा मार्केट जाना हुआ तो मैं उसका ब्लॉग भी बनाऊंगी जरूर। तो ये देखिए, ये वाला लहंगा है, कोका कोला कलर इसको बोलते हैं ये वाला, और ये आसमानी कलर का है। जब ये चला था तभी मैंने इसको ले लिया था। मेरी मम्मी मेरे लिए पहले लेके तैयार रखती है, इस बार भी वो पहले लेके तैयार है शादी के लिए, वो लेके आएंगी। तो मैं बोलूंगी उनको कि वो भी ब्लॉग बनाए, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी यहाँ बैठे बैठे। सो ये देखिए, ये वाला लहंगा भी अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं लहंगे लुगड़ी को किस तरीके से पहनते हैं हमारे। तो हमारे जो है लाक के चूड़े भी पहने जाते हैं, तो मैं वही लाक के चूड़े, देखिए ये लाक के चूड़े हैं जिनमें इस तरीके से आवाज आती है, वही आज मैं ये वाले चूड़े पहनूंगी। और ये मंगलसूत्र पहनूंगी जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ लहंगे लुगड़ी के ऊपर। और टॉप्स वगैरह तो आजकल कोई सा फैशन चलता है तो कोई सा पहन सकते हैं। सो देखिए वाला ब्लॉग। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और शेयर करना। और मैं आपके साथ अच्छे अच्छे लहंगे लुगड़ी के ब्लॉग शेयर करूंगी अगले मंथ में, तो पूरे ब्लॉग शेयर करूंगी अगले मंथ में। आपको पूरा देसी देसी लुक देखने को मिलेगा, ठीक है। बाय। अभी मैंने जो है अपने चूड़े वगैरह ये सब पहन लिए हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ओढ़नी है लुगड़ी उसको कैसे ओढ़ते हैं। तो ये वाली लुगड़ी मैं ओढ़ूंगी, ये येलो कलर की है और इसमें काफ़ी सारा वर्क है, मिरर का वर्क है, मोती इसमें लगे हुए हैं, स्टोन वगैरह। सो ये लुगड़ी को इस तरीके से ओढ़ेंगे, और ये राइट हैंड का जो पल्ला है ये लेंगे, जिस हाथ से हम लिखते हैं, खाना खाते हैं वगैरह, राइट हैंड है। उधर साइड मैं इसका पल्लू लेती हूँ, सेल्फी कैमरे में उल्टा नज़र आएगा बिकॉज मैं सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाती हूँ। सो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से अपने आगे लेकर आऊँगी और यहाँ पे इस तरीके से इसको टाँकूँगी। तो जो झल्लर है उसको हमें दुबाना नहीं है, उसके ऊपर हमें पल्लू लेना है, क्योंकि जो लहंगे की डिज़ाइन है वो दिखनी चाहिए तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले छोटा पल्लू लेते थे पर अब वो नहीं लेते हैं, सब बड़ा पल्लू लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसको यहाँ पे टक कर लूँगी, मैं टाँक लूँगी दोनों साइड से, यहाँ पे भी और उधर साइड से भी, दोनों साइड से टाँक लूँगी, और जो इसकी डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखेगी, जो बिल्कुल जो लेस है वो अच्छे तरीके से दिखेगी, झल्लर भी दिखेगी अच्छे से, और लुगड़ी की जो डिज़ाइन है वो भी प्रॉपर नज़र आएगी। और बाकी बचा जो ये हिस्सा है इसको अच्छे से टाँकने के बाद बिल्कुल सलवटें हम अच्छी कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सलवटें ठीक करने के बाद, तो हम इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। और बाकी बचा जो पल्लू है ये इसके साइड जो सीधा है इसको हम अपने सिर पर ओढ़ लेंगे इस प्रकार से। तो मैंने इस प्रकार से इसको ओढ़ लिया है, और जो ये डिज़ाइन है देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी दिख रही है। आप इस पल्लू को इस तरीके से भी ले सकते हो, आजकल इसी प्रकार से इसको लिया जाता है, वैसे अलग अलग टाइप से भी लेते हैं। सो ये वाली जो डिज़ाइन है प्रॉपर दिखती है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की सहायता से इनको टाँक लेंगे, टक कर लेंगे, यहाँ सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि ये हटे नहीं, हम कुछ भी काम करें तो ये वैसे की वैसी रहेगी। और ये वाला जो पल्लू है ये लटका रहेगा ऐसे ही, ताकि हम अपना जो हाथ है उसको मूव कर सकें, किधर भी घुमा
सके, तो ये स्पेस रहता ही है ताकि अपना हाथ जो है इधर उधर घुमा सके और पिन विन लगाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और बाकी बचा ये वाला जो हिस्सा है, इसके नीचे का छोर हम लेंगे, नीचे का जो ओढ़ है उसको हम लेंगे, क्योंकि ये जो नीचे से लेंगे तो नीचे से फोल्ड हो जाएगा तो बेकार नहीं लगता है। तो इसको हम पीछे कमर पे टांग लेंगे ताकि ये जो ज़मीन में ना घिसले इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे इसको पीछे टांग लिया है मैंने, अब ये इस तरीके से रहेगा और ये ज़मीन में नहीं टिकेगा, हम घूंघट वूंघट करेंगे सब प्रॉपर रहेगा, नीचे मिट्टी में नहीं लगेगा और बेकार नहीं होगा। तो देखिए बहुत आसान है लहंगे लुगड़ी को पहनना और इनमें डांस वगैरह करना, घूमना फिरना। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हम इस प्रकार से घूंघट करते हैं, कई प्रकार से घूंघट करते हैं और इस प्रकार से भी किया जाता है जो बहुत हंसी आती है मुझे तो इसको करने में। सो बाय।